तो गाइस कि आप भी कुछ इस टाइप की रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड कि आप अपने फेस को मेरे तरह स्मूथ एंड वाइट करना चाहते हैं, एंड अपने हेयर पे कुछ स्टेप से कलर करना चाहते हैं, एंड अपने बैकग्राउंड को डार्क ब्लैक कुछ स्टेप से करना चाहते हैं, वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से एंड बहुत आसान तरीके से। तो इस वाले वीडियो में अगर आप स्टेप बाई स्टेप बने रहते तो ये सब चीज़ बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। और इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी फोटो सेलिब्रेट करा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम सेम एडिटिंग बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे, आप वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बने रहिए। तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको नॉर्मल फोटो पे आना होगा। मान लीजिए ये मेरा है, ठीक है, मान लीजिए आपका हो एंड मेरा हो, ठीक है। तो इन फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे। कहाँ पे शेयर करेंगे, सब कुछ आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो इस स्नैपशीट ऐप के अंदर इस फोटो को हम लोग नॉर्मल लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब आने के बाद क्या करेंगे, टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। अब टूल्स वाले ऑप्शन पे दनगिस आएंगे, एंड आने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे, एंड देखिए जो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है आप भी कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं नॉर्मल भी कर सकता हूँ, ब्राइटनेस भी कर सकता हूँ, डार्क भी कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग कॉन्ट्रास्ट करेंगे क्योंकि फोटो ज़्यादा बहुत हेवी लगेगा। एंड फोटो को डन कर देंगे। अब डन कर दिए तो फोटो का देखिए आप लोग, मतलब बैकग्राउंड भी एंड फेस भी ब्लैक हो चुका है। एंड इसके लिए हम लोग तीर वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे, एंड व्यू एडिट पे टैप करेंगे, एंड ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे, ब्रश पे एक बार टैप करेंगे, एंड क्या करेंगे अब आपको बताएंगे क्या करना है। कुछ स्टेप्स से अपने बैकग्राउंड, मतलब मान लीजिए मेरा ब्लैक बैकग्राउंड करना है, जहाँ पे आपको ब्लैक पार्ट रखना होगा, कुछ स्टेप्स से अपने, मतलब कुछ स्टेप्स से अपने बैकग्राउंड पे अपने ब्रश को अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत इजी तरीका है, आप लोग खुद देखिए। तो गाइस हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो गाइस क्या है ना कि आप लोग देखिए कि मतलब ब्लैक पार्ट जो था ना हम लोग कपड़े पे भी कर लिए हैं, एंड यहाँ पे मतलब हेयर पे भी कर लिए हैं, एंड बैकग्राउंड पे भी कर लिए हैं। मान लीजिए आपका मर्जी, आप जहाँ भी कर सकते हैं, एंड फोटो को डन कर देंगे। तो देखिए बिफोर एंड आफ्टर का फोटो का क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं। एंड हम लोग बैक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैक का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो क्या करना है ना, मैं आपको बताता हूँ, बैक पे क्लिक करना होगा एंड फोटो को यहाँ से सेव करना होगा, ठीक है। मैं अभी सेव कर लेता हूँ। अब सेव करने के बाद इस फोटो को सिंपली हम लोग ओपन कर लेते हैं लाइटरूम ऐप के। सो गाइस क्या है ना, हम लोग लाइटरूम ऐप के अंदर आ गए हैं, एंड आपको आने के बाद आपको ऑल फोटोस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे टाइप कीजिएगा ना तो आपका फोटो यहाँ पे शो करा होगा, जिस फोटो को अभी आप इस एप्लीकेशन में शेयर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी आप किए हैं, मतलब आप मतलब करेंगे तो, ठीक है। तो क्या करना है, फोटो पे एक बार क्लिक करना होगा। मान लीजिए मेरा फोटो है तो हम इस पर क्लिक कर दिए हैं, एंड सबसे फर्स्ट लाइट वाले ऑप्शन पर आएंगे। आपको लाइट पे आना होगा, एंड क्या करना है, हाईलाइटेड को 100- साइड को प्लस, ठीक है, एंड ब्लॉक विथ को 100- ब्लॉकेट को 100+, एंड क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट को 100+ करना होगा। तो बिफोर एंड आफ्टर का फोटो का क्वालिटी खुद देख सकते हैं। एंड कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड मिक्स टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस वाले टूल पे सबसे फर्स्ट आएंगे। इसका सेचुरेशन माइनस करेंगे, लगभग हम लोग 57 के करीब करेंगे, एंड हम लोग मतलब थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 76 के करीब किया, एंड लिमिट्स को 100+ किए हैं। तो देखिए मतलब हमारा फेस जो है ना कितना हार्ड, मतलब यहाँ पे लग रहा है, मतलब वाइट हो चुका है। एंड हम लोग इस वाले टून पे आएंगे, एंड इसका भी सेचुरेशन देख लेंगे, ठीक है। इसका सेचुरेशन हम लोग यहाँ से मतलब 21 के करीब इसको हम पूरा माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस पूरा कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसका ह्यू भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसको एंड इसको पूरा, मतलब इस दोनों को कर लीजिएगा सेम, ठीक है। एंड आपको अभी रेड वाले टून पे आना होगा, ठीक है। रेड वाला टून क्या है कि मतलब इसका सेचुरेशन हम लोग प्लस कर लेंगे। अब इसका प्लस कर लेंगे, एंड यहाँ से फोटो को डन कर लेंगे। ये सब चीज़ बहुत ईजी है गाइस, आप लोग देखिए। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना होगा, एंड क्लियरिटी को प्लस कर लेना होगा, लगभग मैं कर लेता हूँ, मतलब 74 के करीब। एंड बिगिन वाले ऑप्शन को माइनस कर लेते हैं, लोगों में लोग यहाँ से 31 के करीब कर लेते हैं। एंड ऊपर शेयर पे क्लिक करके फोटो को शेयर करेंगे। कहाँ पे शेयर करेंगे, सब कुछ आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो स्केचबुक ऐप के अंदर शेयर करेंगे, एंड शेयर करने के बाद क्या करेंगे, जो भी चीज करेंगे रियल बताएंगे। यहाँ पे एक बार टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे, फोटो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या बताएंगे, सबसे फर्स्ट आपको बताएंगे अपने फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। स्मूथ आप कैसे कर सकते हैं बहुत रियल तरीके से। एंड इसके लिए आपको सबसे फर्स्ट ब्रश वाले ऑप्शन पे आना होगा, मैं अभी आ जाता हूँ, ठीक है। आने के बाद नीचे की तरफ यहाँ से नहीं आएंगे हम लोग, कुछ स्टेप से इधर की तरफ आएंगे। एंड सबसे फर्स्ट आपको इस स्मॉज वाला ऑप्शन देखना होगा, एंड आपको यहाँ पे एबल ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस ब्रश को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस आपको अब सेटिंग पे आना होगा, तो मैं अभी सेटिंग पे आ जाता हूँ। अब सेटिंग पे आने के बाद क्या करेंगे ना, जो भी चीज़ करेंगे रियल बताएंगे। फॉलो को 3 को 4, इस दोनों को सेम कर लीजिएगा। एंड जो इसका साइज है मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से रखिएगा। 66 के करीब कर लेता हूँ, एंड कट कर देता हूँ।
एंड अब क्या करना है ना, कुछ स्टेप से अपने फेस पे राउंड एंड अपने मतलब हाथ को अप्लाई करना है आराम से, ठीक है। यहाँ पे घबराना मत होगा कि हम लोग जल्दी कर लेंगे अपने फेस को स्मूथ, तो यहाँ पे अगर आप जल्दी करते हैं तो आपका फेस ना ख़राब हो जाएगा पूरा तरीके से, मतलब साइज को माइनस भी करके कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पूरे तरीके से फेस ख़राब होने का चांस हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको जो भी है, मतलब आप जितना ईजी तरीके से कीजिएगा ना उतना अच्छे तरीके से मतलब होगा, ठीक है। आप लोग देखिए जितना इसमें टाइम देकर कीजिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग देखिए कि मैं यहाँ पे टाइम देकर आराम आराम से कर लेता हूँ, तो कहीं से हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि मान लीजिए मेरा जो फेस है ना कितना हार्ड क्वालिटी में स्मूथ मैं कर लिया हूँ, देखिए कितना गजब लग रहा है, ठीक है। तो आपको इतना काम करना होगा। एंड अब आपको करना क्या होगा, अपने लिप्स को थोड़ा सा रेड करना होगा, ठीक है। आपको सब कुछ बताएंगे रियल तरीके से। आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे आना होगा लेयर वाले ऑप्शन पे, एंड मैं आ जाता हूँ एंड प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे। इस लेयर पे एक बार टैप करेंगे एंड नोन ऑप्शन पे आएंगे एंड डार्किंग को सेलेक्ट करेंगे, कट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। एंड हम सबसे फर्स्ट अब आएंगे ब्रश वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ब्रश पे आएंगे एंड हम लोग लाइब्रेरी पे टैप करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ रियल है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, एंड वाला ब्रश आप लोग क्या कीजिएगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड आप क्या करना है, सेटिंग पे आना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्सिटी है क्या करना है, 100 कर लेना। एंड इसका जो साइज है मैं यहाँ से 35 के करीब कर लेता हूँ एंड कट कर लेता हूँ। एंड कलर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा तो इस पर क्लिक करते हैं। एंड क्लिक करने के बाद क्या करते हैं ना, यहाँ से ये मतलब ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कलर, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद कुछ स्टेप से हम अपने लिप्स को रेड कर लेंगे। बहुत रियल तरीका है, आप लोग खुद देखिए। तो मेरा जो मतलब यहाँ पे लिप्स है कितना हार्ड क्वालिटी में, यहाँ पे देखिए कितना गजब लग रहा है। एंड अब क्या करेंगे, हेयर पे थोड़ा सा कलर को अप्लाई करेंगे। तो इसी कलर को क्या करेंगे ना, कुछ स्टेप से हेयर पे अप्लाई कर लेंगे, कुछ स्टेप से, देखिए कितना हेवी लग रहा है। एंड कलर पे क्लिक करेंगे एंड कलर्स वाले ऑप्शन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कलर्स वाले ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए फिर से आएंगे, मान लीजिए आपका जो भी मर्जी कलर करें, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे ए वाला कलर रखना है, मतलब ए वाला, ठीक है। आपका हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बहुत रियल तरीका है एंड बहुत आसान तरीका है, आप लोग देखिए खुद कितना अच्छा लग रहा है। एंड देखिए इस तरीके से आप अपने हेयर पे कलर को अप्लाई कर सकते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से। एंड अब आपको करना क्या होगा, आपको सबसे फर्स्ट आना होगा इस स्किल वाले ऑप्शन पे, मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। इम्पोस्ट इमेज पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड हम लोग गैलरी वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। एंड आने के बाद हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक वोके इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो अब वोके इफेक्ट को ऐड करने के बाद क्या करेंगे ना, कुछ स्टेप से इसको पूरा रियल तरीके से आपको बताते हैं। यहाँ पे रखेंगे एंड फोन को डन कर लेंगे, ठीक है। एंड फोन को डन कर लेंगे तो क्या है, इसके पीछे ब्लैक है। तो ब्लैक पार्ट को रिमूव करने के लिए हम सबसे फर्स्ट आएंगे लेयर वाले ऑप्शन पे एंड हम लोग मतलब ये वाला मतलब इसका लेयर है तो इस पर क्लिक करेंगे एंड नॉर्मल पे आएंगे एंड स्क्रीन कर देंगे तो हट जाएगा वन क्लिक के अंदर, देख लीजिए। एंड क्या है, यहाँ पे गलत हो चुका है एंड यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तीनों को रिमूव करने के लिए ब्रश वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड लाइब्रेरी पे टाइप करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे एंड आपको इरेजर वाले ऑप्शन को देख लेना होगा। एंड यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन ब्रश मिल जाएगा तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड इसका सेटिंग देख लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, कितना मतलब अच्छा रखना है कितना नहीं रखना है। अमाउंट इरेजर को 100 एंड इसका जो साइज है ये तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं 41 कर लेता हूँ एंड इसको हटा लेता हूँ, देखिए मैं इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। एंड ए वाला में मतलब इसको भी हम लोग हटा लेते हैं तो देखिए कितना हैंडसम लग रहा है, ठीक है। एंड कुछ स्टेप से करेंगे, फिर से स्केल पे आएंगे एंड पोस्ट इमेज पे आएंगे, इम्पोस्ट इमेज वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे एंड फिर से आएंगे एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक लाइट PNG को ऐड कर लेते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, इस लाइट का। तो यहाँ पे रखेंगे एंड फोटो को डन करेंगे एंड हम लोग फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे आएंगे और सेम प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पे आएंगे एंड स्क्रीन कर देंगे तो लाइट कितना ज़्यादा हेवी लग रहा है आप लोग खुद देख लीजिए। एंड गाइस यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, फिर से आएंगे इम्पोस्ट इमेज पे टैप करेंगे, मतलब इसी तरीके से आप सब कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे गैलरी पे टाइप करेंगे, डाउनलोड पे आएंगे एंड एक माइल मतलब ये वाला हम लोग PNG ऐड कर लेते हैं, ठीक है। घबराइएगा मत, आराम आराम से देखते रहिए, आपको समझ में पूरा कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे डन करते हैं, फिर से यहाँ पे आएंगे, सेम प्रोसेस कर लेंगे, यहाँ पे स्क्रीन कर देंगे। देखिए ये भी कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। इतना काम करके उन फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना होगा, कहाँ पर शेयर करना है सब कुछ रियल बताएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से फोटो को हम लोग सिंपली शेयर कर लेते हैं, कहाँ पर आपको सब कुछ रियल तरीके बताएंगे, ठीक है।
तो क्या करेंगे, टूल बिच एप के अंदर इस मोड को लेकर आ गए हैं। एंड गाइस हम लोग आ चुके हैं, एंड थोड़ा सा इधर की तरफ आएंगे, एंड आपको सबसे फर्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन देखना होगा, ठीक है। मैं अभी देख लेता हूँ। एंड गाइस सॉफ्ट स्मज वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। सॉफ्ट स्मज पे आएंगे एंड क्या करेंगे, फोर नंबर को एंड फाइव नंबर को सेलेक्ट करेंगे। वाइल्ड पेंट हो रहा है, हेयर बेस सिक्स को कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। एंड मार्क्स पे आएंगे, मार्क्स पे आएंगे एंड क्लीन कर देंगे। आपको बताते हैं यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्या करेंगे ना, अपने हेयर पे कर लेंगे। आपको जहाँ मर्जी करना चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर लिए हैं एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेते हैं एंड यहाँ पे कर लेते हैं एंड यहाँ पे मतलब कर लेते हैं। सब कुछ मतलब नरियल तरीके से आपको बताते रहे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा कपड़े पे भी कर लेंगे, ठीक है, कपड़ा पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आसान है, देखिए कितना हेवी तरीका है एंड कितना आसान तरीका है, एंड फोटो को डन कर देते हैं। तो खुद देखिए कि फोटो कितना ज़्यादा हेवी एंड कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो मैं फिर से मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।